हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर करियर ग्रुप। मैं विनीत शर्मा आपके पास यहाँ पे अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास एक टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन का यहाँ पे डिस्कस अभी यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास जो थ्योरी ऑफ मशीन है, ये जो टॉपिक आपके पास जो सब्जेक्ट है, एक काफी डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, आप ESC पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखो, या आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, या अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखो। तो आज स्पेसिफिक वीडियो में आज मैं यहाँ पे जो कवर करूंगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोबिलिटी की यहाँ पे मैं बात करूंगा मैकेनिज्म की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपको, जैसे कि सबको पता है कि जो किसी भी मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्लेनर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस केस में अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मुला हमारे पास सिंपल सा ही है, हमारे पास होता है। इस फॉर्मुले को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसी भी मैकेनिज्म के अंदर वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है। दैट मींस अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके आपके पास यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म है, लेट अस सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक 4-bar मैकेनिज्म है, कोई इस वे में आपके पास, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो 4-bar मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, इसमें आप क्या करते हो, एक इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करते हो और आपके पास एक स्पेसिफिक हमें आउटपुट देखने को यहाँ पे मिलती है। ये कुछ इस वे में, तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर, अगर हम स्पेसिफिकली मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट आउटपुट के। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे, लेट अस सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे इनपुट मेरे पास 1 आ गई है, जैसे मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, आपके पास ये मैंने 3-bar स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इस केस में आपके पास इस डायग्राम में अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपके पास 3 लिंक यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, इसी के साथ आपके पास 3 जॉइंट आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करता हूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर निकलेगा, ये आपके पास 0 के इक्वल आपके पास निकलेगा। तो आपके पास ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो इनपुट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, आप अगर इनपुट प्रोवाइड करते भी हो तो भी आपको आउटपुट यहाँ पे कंस्ट्रेंट आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर लिंक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग आपके पास यहाँ पे होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आपके पास यहाँ पे बात करता है। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास यहाँ पे देखें, तो नंबर ऑफ इनपुट्स के आपके पास यहाँ पे बात करता है टू गेट कंस्ट्रेंट आउटपुट। कंस्ट्रेंट आउटपुट का मतलब है प्रेडिक्टेबल आउटपुट आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप आपके पास इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम यहाँ पे कुछ इस फॉर्मूले से आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3L-1-2J-H। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो L है मेरे पास, ये नंबर ऑफ लिंक्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास मैकेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास यहाँ पर है। सिमिलरली जो J है मेरे पास, ये नंबर ऑफ जॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, एंड आपके पास यहाँ पे जो H है मेरे पास, ये नंबर ऑफ हायर पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पे जो F ऑफ R है मेरे पास, ये जो पैरामीटर मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिडंडेंट मोशन। तो आपके पास यहाँ पे जो रिडंडेंट मोशन है, नंबर ऑफ रिडंडेंट मोशन का मतलब है जो कि आपके पास ऐसा मोशन किसी भी लेक्चर का जो कि आपके पास मैकेनिज्म का पार्ट ही नहीं है, जो कि अननेसेसरी है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप यहाँ पे बोलते हो कुछ बैच इक्वेशन, इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आपके पास ऐसा होता है कि कभी कभी इसको हम ग्रेगुलर इक्वेशन से आपके पास यहाँ पे बोल रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन आपके पास इस इक्वेशन को बोलते हैं कुछ बैच इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चलें, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स आपके पास क्रिएट कर रखे हैं, आपके पास फर्स्ट केस में एक सिंपल सा मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास 3 लिंक है, 3 नंबर ऑफ जॉइंट आपके पास है। ठीक है, इस केस में अगर मैं आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, जैसे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा था, तो आपके पास यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा मेरे पास, यहाँ पर आपके पास 0 के इक्वल आपके पास निकलता है। ठीक है, 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास यहाँ पे हम कितने भी नंबर ऑफ इनपुट दे, आपको कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगी। दैट मींस आपके पास यहाँ पर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर के फॉर्म आपके पास इसे बोल सकते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। लेकिन सेकंड केस में अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास एक 4-bar चेन है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपके पास जो लिंक है हमारे पास वो आपके पास 4 है, एंड आपके पास जो जॉइंट है मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे 4 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो इस केस में आपके पास जॉइंट भी हमारे पास 4 है, लिंक भी आपके पास 4 है। तो अगर मैं आपके पास इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करता हूं, जैसे प्रीवियस वाली जो इक्वेशन हमने अभी देखी थी, उस इक्वेशन का अगर हम यहां पे यूज करें, तो आपके पास
तो आपके पास यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा इसको कैलकुलेट करके, ये आपके पास 1 के इक्वल यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। अब 1 आपको क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है कि आपके पास अगर हम इस स्पेसिफिक केस में आपके पास यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अगर हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं आपके पास इस मैकेनिज्म में, तो आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक कंस्ट्रेंट आउटपुट यानी कि प्रेडिक्टेबल आउटपुट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आपके पास इस पर्टिकुलर चेन को जब आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, मतलब कि जब इनपुट आप यहाँ पे जब 1 प्रोवाइड करते हो, तो दैट मींस उस चेन को हम यहाँ पे बोलते हैं काइनेमेटिक चेन आपके पास। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें, नेक्स्ट डायग्राम में आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो चेन है मेरे पास, इसमें आपके पास नंबर ऑफ लिंक जो है वो 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिंक है आपके पास, ठीक है। इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ जॉइंट हमें जो मिलेंगे वो भी आपके पास 5 मिलेंगे। बहुत सिंपल एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं अभी। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कैलकुलेट करो सेम वे में, तो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास यहाँ पे 2 के इक्वल आपके पास निकलेगा, ठीक है। 2 का यहाँ पे मतलब है कि आपको एक प्रेडिक्टेबल आउटपुट के लिए यहाँ पर जो इनपुट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 2 इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जनरली आपके पास अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे केस में आपके पास 2 लिंक्स को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू 1 लिंक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से हमारे लिए सिर्फ वही आपके पास मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देखने को मिले, ठीक है। और यहीं से आपके पास स्टार्टिंग होती है आपका मेन यहाँ पर मैकेनिज्म की, जो भी आप इस मैकेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म पढ़ते हो, फोर बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म या फिर आपका डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, वो सारे के सारे हमें इसी बेसिस पे आपके पास आगे बनते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास हुआ हल्का सा बेस आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके पास गर्बलर क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास इसलिए है क्योंकि आपके पास जो सबसे सिंपल मैकेनिज्म है मेरे पास, उसकी जो स्टार्टिंग आपके पास यहाँ पे होती है वो गर्बलर क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पे होती है। इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ग्रेबुलर क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास उन मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे डिफाइंड होता है या फिर उन चेन्स के लिए आपके पास ये अप्लाई होता है जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफिकली आपके पास 1 के इक्वल हो, ठीक है, या फिर आपके पास हायर पेयर यहाँ पर हमारे पास 0 के इक्वल आपके पास हो। ये दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रेबुलर क्राइटेरिया के लिए। तो अगर मैं आपके पास कुछ इक्वेशन के अंदर, ये जो हमने इक्वेशन अभी लास्ट स्लाइड में देखी थी, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन बनेगी मेरे पास कुछ इस फॉर्म में, 3L-2J-4 के इक्वल, ठीक है। अगर आपको याद हो यहाँ पर जो L है मेरे पास नंबर ऑफ लिंक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, J आपके पास यहाँ पर है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये बेस बनता है आपके पास एक सिंपल मैकेनिज्म का, मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे आपके पास जो 3L है मेरे पास वो बनेगा 2J+4 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस सपोज अगर मेरे पास J की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी अगर होती है आपके पास, लेट अस से इवन वैल्यू है या फिर ओड वैल्यू है, तो भी आपके पास जो राइट हैंड साइड पैरामीटर जो मेरे पास यहाँ पे रहेगा ये हमेशा क्या होगा, ये इवन ही आपके पास होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो 3L जो मेरे पास पैरामीटर यहाँ पर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इवन क्वालिटी आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी इवन नंबर को ओड से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास जो एल की जो वैल्यू होगी वो भी एक इवन होगी मेरे पास, दैट मींस एल की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी वो भी मेरे पास इवन के इक्वल ही आपके पास होगी। दैट मींस आपके पास यहाँ पे जो एल है मेरे पास वो किसके इक्वल हो सकता है, वो 2, 4, 6 एंड 7 इस तरह से आपके पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग चलो करते हैं लिंक नंबर 2 से, लेट अस सपोज कि लिंक आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 प्रेजेंट है। लेट अस से अगर मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है कुछ इस वे में किसी भी बॉडी का मशीन का, एंड आपके पास एक सेकंड लिंक है मेरे पास कुछ इस वे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेरे पास ये सिर्फ एक क्या बना, एक जॉइंट बना है, या आपके पास एक पैरामेटिक चेन या एक सिंपल चेन आपके पास यहाँ पे नहीं बनी, क्योंकि चेन बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके पास कि आपके पास जो फर्स्ट लिंक है मेरे पास और जो लास्ट लिंक है मेरे पास वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अब नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं कि आपका जो लिंक है मेरे पास वो 4 हो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 4 लिंक होते हैं कुछ इस वे में आपके पास,
तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके पास एक चेन जो है वो प्रोड्यूस यहाँ पे हो रही है मेरे पास, ठीक है। चेन आपके पास कैसे प्रोड्यूस हुई, क्योंकि फर्स्ट जो लिंक था वो आपके पास लास्ट लिंक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ जो लिंक होने चाहिए किसी भी आपके पास डायनामिक चेन के अंदर, वो आपके पास यहाँ पे 4 के इक्वल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके कोरिस्पोंडिंग अगर मैं आपके पास यहाँ पे जे की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं एक टॉप इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जॉइंट है मेरे पास, जो नंबर ऑफ जॉइंट है मेरे पास किसी बॉडी के अंदर या किसी मैकेनिज्म के अंदर, ये आपके पास 4 के इक्वल यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से अब आपके पास स्टार्टिंग होती है आपके मेन मैकेनिज्म की, आपके पास जो मेन चैप्टर आपके पास यहाँ पे होता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म की आप स्टडी करते हो, 4-bar मैकेनिज्म की, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन आप जो पढ़ते हो या फिर सिंगल स्लाइडर या सिंगल स्लाइडर की इन्वर्जन, वो सारी सारी स्टार्टिंग आपके पास यहाँ पे होती है ग्रेबलर क्राइटेरिया से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं सिंपल मैकेनिज्म की, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लिंक, मतलब जैसे अभी हमने लास्ट टाइम में देखा आपके पास यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जो लिंक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए आपके पास, 4 के इक्वल, एंड नंबर ऑफ जॉइंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए 4, ठीक है। तो आपके पास ऐसे कोई भी मैकेनिज्म जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसे आप यहाँ पे कहते हो सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिंपल मैकेनिज्म के अंदर आपके पास यहाँ पे जो लिंक है मेरे पास वो आपके पास 4 होंगे और जॉइंट हमेशा आपके पास यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पर अब इसी के बेसिस पे आपके पास यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आपको मिलती है वो है मेरे पास 4-bar चेन की, जिसमें आपके पास सिंपल साइड में 4 लिंक होंगे मेरे पास, 4 जॉइंट होंगे, जैसे आप इस फिगर नंबर 1 पे आप देख सकते हो, ठीक है। सेकंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें सिंगल साइडेड चेन की, ठीक है, सिंगल साइडेड चेन में क्या है आपके पास, इसमें भी अगेन आपको 4 लिंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डबल साइडेड चेन की आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपको डबल स्लाइडर देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके एनालाइज यहाँ पे करते हैं, जैसे 4-bar चेन है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर 4-bar चेन है मेरे पास, तो 4-bar चेन में आपको देखने को मिलेगा कि 4 तो लिंक है मेरे पास 1, 2, 3, 4, वो एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास, ठीक है। दैट मींस फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई है यहाँ पे 4 लिंक्स की। इसी के साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक टर्निंग पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड टर्निंग पेयर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, थर्ड आपके पास यहाँ पे एंड फोर्थ आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दैट मींस 4 जॉइंट की कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई है, 4 लिंक्स की कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई है, आपके पास ये हुआ एक सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें सिंगल स्लाइडर, अब इस केस में क्या हुआ, आपके पास एक स्लाइडर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बस डिफरेंस आपके पास इतना ही है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिंक्स की, तो सबसे पहला जो लिंक आपको देखने को मिलेगा वो है मेरे पास आपके पास ये क्रैंक, ठीक है। क्रैंक आपके पास डायरेक्टली अटैच है मेरे पास कनेक्टिंग रोड के साथ, ये सेकंड लिंक आपके पास है। कनेक्टिंग रोड आपके पास यहाँ पर अटैच है पिस्टन के साथ, ये थर्ड लिंक आपके पास यहाँ पर है, एंड पिस्टन आपके पास यहाँ पे अटैच है मेरे पास आपके सिलेंडर के साथ, ठीक है, फिक्स लिंक के साथ। तो आपके पास इस केस में अगर हम यहाँ पे जॉइंट्स की बात करें, तो आपको जॉइंट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला जॉइंट जो है मेरे पास वो यहाँ पर आपके पास बन रहा है टर्निंग पेयर, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टर्निंग पेयर है यहाँ पे। सेकंड आपके पास जो टर्निंग पेयर मिलेगा वो फर्स्ट और सेकंड है, आपके पास ये सेकंड टर्निंग पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो थर्ड टर्निंग पेयर आपको जो देखने को मिलेगा वो है मेरे पास जहाँ पर कनेक्टिंग रोड और स्लाइडर आपके पास डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा मेरे पास थर्ड टर्निंग पेयर, ठीक है। तीन तो आपके पास हो गए यहाँ पे टर्निंग पेयर, एंड फोर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्लाइडिंग पेयर आपके पास, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो जॉइंट है मेरे पास वो आपके पास यहाँ पे आपके पास कितने देखने को मिल रहे हैं, 4 आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की, आपके पास डबल स्लाइडर चेन में आपके पास अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपके पास एक आपके पास स्लाइडर है मेरे पास फर्स्ट लिंक, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक सेकंड स्लाइडर है सेकंड लिंक आपके पास, थर्ड आपके पास यहाँ पर है कनेक्टिंग रोड जो कि इसको यहाँ पे लिंक कर रही है जिसको कपलर भी बोलेंगे आपके पास, एंड फोर्थ आपके पास यहाँ पर है एक लीवर मेरे पास जहां पर आपके पास ये दोनों स्लाइडर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये आपके पास हुए यहाँ पर 4 लिंक आपके पास सबसे पहले।
इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें स्लाइडिंग पेयर की, तो स्लाइडिंग पेयर में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे एक स्लाइडिंग पेयर बनेगा आपके पास फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड आपको जो देखने को यहाँ पे मिलेगा मेरे पास एक यहाँ पर है एक टर्निंग पेयर, ठीक है। एंड आपके पास अगेन यहाँ पर मेरे पास एक टर्निंग पेयर आपके पास अवेलेबल है एंड लास्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास स्लाइडिंग पेयर। दैट मीन्स आपके पास इस केस में भी टर्निंग पेयर दो आपके पास अवेलेबल है, दो स्लाइडिंग पेयर अवेलेबल है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो जॉइंट आपके पास यहाँ मिलेंगे वो भी आपको फोर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास यहाँ पे बेस क्रिएट होता है आपका मैकेनिज्म का, ठीक है। तो आपके पास जो बेस क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर आपके पास है वो है मेरे पास ग्रैम्बलर क्राइटेरिया आपके पास, ठीक है। ग्रैम्बलर क्राइटेरिया के अंदर ही आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितने होने चाहिए एंड आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट यहाँ पे कितने होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट मैं हल्का सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोर बार चेन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे फोर बार चेन की बात करें, अब फोर बार चेन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पता होना चाहिए कि लिंक अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को किस स्पेसिफिक नेम से आपके पास यहाँ पे बुलाया जाता है। आपके पास इसी के साथ लिंक की मूवमेंट की या उसकी आपके पास रोटेशन या फिर आपका उसकी मूवमेंट की वजह से उसको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम उसे हम यहाँ पे देंगे। लेट अस सपोज अगर मैं एक सिंपल सा आपके पास फोर बार मैकेनिज्म बनाऊं कुछ इस वे में, अच्छा इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि आपके पास जैसे सिंपल सी मेरे पास एक काइनेमेटिक चेन है, जैसे आपके पास एक सिंपल सी यहाँ पे काइनेमेटिक चेन है। काइनेमेटिक चेन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि आपके पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका आप एक इनपुट दोगे आपको एक कंस्टेंट आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस काइनेमेटिक चेन की फोर बार चेन की अगर मैं एक किसी भी एक लिंक को चाहे वो बेस हो चाहे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लिंक सेकेंड लिंक या फिर थर्ड या फिर फोर्थ किसी भी लिंक को अगर मैं फिक्स करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन बनती है जिसको आप मैकेनिज्म भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब फोर बार चेन के अंदर होता क्या है, आपके पास यहाँ पे कुछ पोजिशन ऐसी होती है जो कि सबसे बेस्ट पोजिशन आपके पास यहाँ पे होती है, कुछ पोजिशन आपके पास ऐसी भी होती है जो कि बिल्कुल वर्स्ट आपके पास यहाँ पोजिशन है, ठीक है। तो लेट अस सपोज अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो लिंक नंबर 1 है मेरे पास वो फिक्स है मेरे पास। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपके पास चेन को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लिंक कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बस आप कौन सा लिंक फिक्स करना चाहते हो। लेट अस अज्यूम कि मैंने यहां पर लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दिया। तो इस केस में अगर आपके पास यहां पे देखें तो आपके पास जो सबसे बेस्ट पोजीशन जो मेरे पास यहां पे होती है किसी भी लिंक की वो आपके पास यहाँ पे फिक्स पोजीशन आपके पास यहाँ पे होती है। मतलब कि कोई भी लिंक अगर आपके पास फिक्स है यहाँ पर चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोई भी लिंक अगर आपके पास फिक्स है इन चारों में से, तो हम उसे यहाँ पे बोलते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन आपके पास यहाँ पर है। बेस्ट इसे क्यों बोला गया आपके पास, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अभी मेरे पास जो लिंक है वो लिंक नंबर 1 फिक्स है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो लिंक नंबर 1 है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का आपके पास यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वो आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपके पास बेस्ट पोजीशन में यहाँ पे सब कंसर्न करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्स्ट पोजीशन की, तो अगर आपके पास यहाँ पे वर्स्ट पोजीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके पास जो वर्स्ट पोजीशन मिलेगी आपको वो आपको लिंक नंबर 3 की मिलेगी। दैट मीन्स फिक्स लिंक के अपोजिट जो भी लिंक आपके पास यहाँ पे होगा उसे हम यहाँ पे वर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अब जैसे कि अभी मैं आपके पास एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं थोड़ा बाद में डिफाइन करता हूँ बस कि कपलर यहाँ पे है क्या। आपके पास यहाँ पे अभी ऐसा देखो कि जो लिंक नंबर 3 है मेरे पास वो सबसे वर्स्ट पोजीशन पर है जिसको हम यहाँ पे कपलर अभी बोल रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो सबसे पहले चीजें पता लगती है कि आपके पास सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी हुई, आपके पास फिक्स पोजीशन चाहे फिक्स में आपके पास कोई भी लिंक हो। सेकेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सबसे वर्स्ट पोजीशन मिलेगी मेरे पास वो अपोजिट टू फिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी जो कि मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में लिंक नंबर 3 है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे बात करते हैं कि कपलर मेरे पास कपलर यहाँ पे होता है। आपके पास इनपुट
और आउटपुट 2 और 4 के बीच में जो लिंक आपके पास होगा उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कपलर, ठीक है। तो आपके पास जो लिंक नंबर 3 है मेरे पास, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कपलर आपके पास यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे इसका भी रखा है। तो ये तो होगी आपके पास बेस्ट एंड वर्स्ट पोजिशन की यहाँ पे बात। इसी के साथ अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास इनपुट और आउटपुट की। पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसा लिंक जो कि कंप्लीट रोटेशन आपके पास यहां पे करेगा उससे हम यहां पे बोलेंगे आपके पास कराएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी लिंक ऐसे यहां पर कंप्लीट रोटेशन आपके पास यहां पे करता है उससे आप यहां पे बोलते हो कराएगा। अब ये कोई भी लिंक हो सकता है, जैसे लेट अस सपोज कि आपके पास लिंक नंबर जो 2 है मेरे पास, वो आपके पास कंप्लीट रोटेशन यहां पे कर रहा है, कुछ इस वे में आपके पास ये लिंक कंप्लीट रोटेशन आपके पास कर रहा है, तो आपके पास जो लिंक नंबर 2 होगा इससे आप बोलेंगे कराएंगे आपके पास, ठीक है। हाइपोथेटिकली लेट अस अस्यूम कि फोर्थ नंबर लिंक जो है वो भी आपके पास कंप्लीट रोटेशन यहां पे कर रहा है कुछ इस वे में, तो आपके पास जो लिंक नंबर 4 होगा इससे भी हम यहां पे बोलेंगे आपके पास कराएंगे आपके पास, ठीक है। सिमिलरली लेट अस सपोज अगर आपके पास कोई लिंक यहां पे कंप्लीट रोटेशन करने की बजाय सिर्फ ऑसिलेट होता है, ऑसिलेट का मतलब क्या हो, अगर आपके पास जो लिंक है वो सिर्फ ऑसिलेट यहां पे कर रहा है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो आपके पास, उसे हम यहां पे बोलते हैं रोकर आपके पास। अगर आपके पास कोई लिंक यहां पे ऑसिलेट करेगा तो उसे हम यहां पे बोलेंगे रोकर, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेरे पास, इंपॉर्टेंट आपके पास वर्ड, इनका आपको यहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहां पे पूरे के पूरे आप जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे, आपके पास फोर बार चेन के अंदर आप जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़ते हो, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके पास हो गया, सॉरी इसमें नहीं, आपके पास पैरेललोग्राम लिंकेज हो गया, डेल्टोइड लिंकेज हो गया, वो सारे के सारे हम यहाँ पे इन्हीं नेम्स आपके पास यहाँ पे प्रनाउंस करते हैं उसे। तो आपके पास यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्जन्स की। आपके पास यहाँ पे इन्वर्जन्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपके पास कोई भी चेन है, सिंपल सी कोई भी आपके पास यहाँ पे चेन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को जब आप यहाँ पे फिक्स करोगे, लेट अस सपोज कि अभी यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने अभी लिंक 1 को आपके पास फिक्स करा था, ठीक है। इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास लिंक नंबर जो 2 है लेट अस से मैंने इसे फिक्स कर दिया आपके पास, ठीक है। तो जब लिंक नंबर 2 जब मेरे पास फिक्स होगा उस केस में आपके पास डिफरेंट इन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है डिफरेंट मैकेनिज्म आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली कोई भी काइनेमेटिक चेन का जब हम कोई भी लिंक आपके पास फिक्स कर देते हैं, किसी भी लिंक को आप फिक्स कर देते हो, तो आपके पास यहाँ पे मिलता है मैकेनिज्म, तो आपके पास इस केस में यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म आपके पास ऑब्टेन करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करोगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो या फिर 4 आपके पास हो, ठीक है। आपको इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके पास यहाँ पर है 4 बार चेन के अंदर, वो है आपके पास क्रेसोफ फ्लो आपके पास। तो आपके पास ये हो गया मैकेनिज्म इन्वर्जन्स। अब आपके पास यहां पे नेक्स्ट है ग्रेसोफ फ्लो आपके पास। अब ग्रेसोफ फ्लो आपको यहां पे क्या बोलता है, इसको मैं हल्का सा समराइज करूंगा, कंप्लीट डिटेल में इसको हम यहां पे भी नहीं करेंगे। आपके पास लेट अस अस्यूम कोई भी लिंक है, कोई भी आपके पास मैकेनिज्म है यहां पे, अब आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लिंक्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास इस पूरे के पूरे 4 बार चेन के अंदर जो सबसे छोटा लिंक है मेरे पास, तो सबसे छोटा लिंक है लेट अस सपोज वो एस के इक्वल है। आप जैसे देख सकते हो कि डायग्राम में सबसे छोटा लिंक है वो आपके पास सेकेंड नंबर लिंक है, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास एस से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एस है मेरे पास अल्फाबेट, ये आपके पास लिंक के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इसकी लेंथ को आपके पास रिप्रेजेंट,
सेम वे सबसे जो लॉन्गेस्ट लिंक है ये आपके पास ऊपर वाला लिंक है मेरे पास, ठीक है, एंड हाइपोथेटिकली आपके पास यहाँ पे मैं डिफरेंट जो रिमेनिंग लिंक है उनको ए और बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ग्रेसो फ्लो जो है बेसिकली वो आपके पास कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करता है कि मैकेनिज्म के अंदर एक किसी भी एक लिंक की कंप्लीट रोटेशन के लिए आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मेरे पास ये फोर बार मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पर है, इसमें आपका जो लिंक है उन सबकी जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेंथ है एस एल ए और पी आपके पास, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर इस मैकेनिज्म के अंदर एक किसी भी एक लिंक की कंप्लीट रोटेशन चाहिए, आपके पास यहाँ पे अगर मुझे किसी भी एक लिंक की कंप्लीट रोटेशन आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो आपके पास उस केस में क्या होना चाहिए, ग्रेसो फ्लो की कंडीशन आपके पास फुलफिल यहाँ पे होनी चाहिए, आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब ग्रेसो फ्लो की कंडीशन यहाँ पर क्या है मेरे पास उसको यहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा। ग्रेसो फ्लो आपको यहाँ पे बोलता है कि अगर मेरे पास सम ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक पूरे के पूरे मैकेनिज्म में जो सबसे छोटा लिंक है उसकी लेंथ प्लस आपके पास यहाँ पे जो सबसे बड़ा लिंक है मेरे पास एल, ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू आपके पास होना चाहिए रिमेनिंग दो लिंक्स के सम के इक्वल। मतलब कि आपके पास जो एस प्लस एल है वो लेस देन और इक्वल टू आपके पास होना चाहिए ए प्लस बी का। अगर इन केस अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस केस में हम यहाँ पर क्या अस्यूम करते हैं कि आपके पास जो लिंक है जो मैकेनिज्म है मेरे पास लिंक नहीं जो आपके पास मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको एक कंप्लीट रोटेशन तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो इनपुट में देखने को मिले चाहे फिर वो आपको आउटपुट में देखने को मिले, ठीक है। इसको हल्का सा न्यूमेरिकल से यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास यहां पे लेट अस सपोज कोई भी एक मैकेनिज्म दे रखा है कुछ इस वे में एंड आपके पास जो यहां पे जो वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट इस लिंक की लेंथ की लेट अस से ये आपके पास यहां पे 5 2 3 एंड 6 आपके पास लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकल वैल्यूज हमारे पास ये है, ठीक है। अब इस केस में आप यहां पे देखोगे जो सबसे छोटा लिंक है मेरे पास उसकी लेंथ है 2 के इक्वल 2 यूनिट के इक्वल आपके पास, जो सबसे बड़ी लेंथ है मेरे पास उसकी यूनिट आपके पास है 6 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास रिमेन जो s प्लस l मेरे पास यहां पे होगा वो आपके पास 2 प्लस 6 के इक्वल आपके पास यहां पे निकलेगा। अब इस केस में 2 प्लस 6 जो है वो आप देख सकते हो वो इक्वल टू मेरे पास 5 प्लस 3 के इक्वल है, ठीक है। दैट मींस आपके पास यहां पे ग्रेसो फ्लो की जो कंडीशन है वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, एक ग्लोबल आपके पास ग्रेसो क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई आपके पास कर रहा है। तो इस केस में आपके पास यहां पे आप एक चीज से हमें श्योरिटी से आप यहां पे कह सकते हो कि आपके पास इस मैकेनिज्म के अंदर कोई एक लिंक आपके पास कंप्लीट रोटेशन यहां पे करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर आपके पास यहां पर ये आपके पास 5 ना होके आपके पास लेट अस से ये आपके पास यहां पे 5 ना होके आपके पास 4 के इक्वल होता, अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकल डाटा अगेन, तो आपके पास यहां पे अब हमें देखने को मिलेगा जो आपके पास 2 प्लस 6 है, ठीक है, वो आपके पास यहां पे लार्जर है 4 प्लस 3 के, ठीक है। 2 प्लस 6 आपके पास यहां पे 8 होगा, 4 प्लस 3 7, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि आपके पास यहां पे जो ये लो जो ग्रेसो फ्लो है मेरे पास उसकी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास यहां पे आप इस चीज से श्योर आप इस चीज को यहां पे श्योरिटी से कह सकते हो कि आपके पास इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसा इनपुट या आउटपुट में या फिर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जो कि कंप्लीट रोटेशन आपके पास यहां पे कर रहे, ठीक है। आपके पास यहां पे ऑसिलेट कर सकता है मतलब एज अ रोकर की तरह आपके पास यहां पे एक्ट कर सकता है लेकिन आपके पास यहां पे कंप्लीट रोटेशन यहां पे नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास इसी के बेसिस पे हम यहां पे क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो आपके पास इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में यहां पर अभी जो हम यहां पे कवर करेंगे इतना ही यहां पे डिटेल में कवर करेंगे, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में यहां पे अपलोड कर देंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस, ठीक है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आल्सो।